और साथ में ये रहे मेरे पैरेट्स, इनको वो भी मेरे हैं, सेम लाइक दिस, ये भी मेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू डे एंड न्यू वीडियो। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए और आपकी सारी दुआएं मेरे लिए, ताकि मैं इसी तरह शहर से देहात आती जाती रहूँ, यानी अपने उस घर से इस घर में आती जाती रहूँ। तो आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि शबनम अपने घर आई है। हाँ जी, मैं अपने घर आई हूँ, मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा। अम्मी मुझे कहती हैं कि आप अपनी वजह से हमें इधर लेके आई हैं, और अब आप खुद भाग जाती हैं और हमें इधर बाउंड किया हुआ है। ऐसा करो कि सारा कुछ क्लोज़ करो और फिर वापस चलते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं, वापस नहीं आ सकते। मैंने अम्मी से कहा है, अम्मी मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मुझे एडजस्ट होते हुए यहाँ पे अपने आप को मतलब बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो जब भी टेंशन होती है ना थोड़ी बहुत, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने ही घर जाऊँ। यहाँ सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है। किसी को समझ हो या ना हो, पता हो या ना हो, लेकिन गांव में वाकई बहुत सुकून है। ये वो ज़िंदगी है कि शायद कहीं आपको और इस तरह की ज़िंदगी मिले। मुझे नहीं पता मेरी इस बात पे कौन कौन एग्री है, कौन कौन नहीं है, पर रियलिटी यही है। परिंदों की चूँ चाँ ची ची और ठंडी ठंडी हवाएं, साफ सुथरे दरख्त, साफ सुथरा माहौल, और ट्रैफिक से बहुत दूर। इवन के शहर में तो रात में भी गाड़ियां चल रही होती हैं और अचानक आंख खुले मतलब खुल जाती है खौफ की वजह से, और यहाँ यार दिन में भी पता नहीं है कि कुछ है भी कि नहीं। दूर दूर तक सारा सिलसिला है यहाँ पे, तो बहुत पीसफुल पीसफुल प्लेस इसे जैसे आप कह सकते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ। सो मैं आज आपको अपने परिंदे भी दिखाती हूँ, उनसे भी मिलते हैं और अपने घर को भी देखते हैं। अभी तक लॉक्ड है सारा कुछ, मैंने गाउन उतार दिया, और शाला इस बार मैं अकेली नहीं है, शाला भी यही है। पिछली बार मैं हफ्सा को लेने आई थी और घर थोड़ा सुकून के लिए आई थी, बहुत सुकून आया, बहुत अच्छा लगा। इस बार हफ्सा को छोड़ने आई, तो यहाँ पे देखो वो रही मेरी हैंड्स, मेरी पसंदीदा मुर्गी एक दर्द वो रही। आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सी। और साथ में ये रहे मेरे पैरेट्स, इनको भी पानी डालते हैं और इनसे ची चाचू भी करते हैं। ओ माय डियर्स, हाउ आर यू? हेलो, अस्सलामु अलैकुम। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, मेरा दिल नहीं लगता आप लोगों के बगैर। मैंने आपको लेके जाना है अपने साथ। ए माय क्यूटीज, वाओ, अब तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हो। ग्रीन वाला देखिए, ये कैसे वो था ना, ऐसे मतलब डरपोक सा था, अब तो ये एक्टिव हो गया है। हेलो माय हैंड्स, माय लव, माय ब्यूटीज, क्या हाल है आप सबके? और इसके साथ मेरा डॉग भी, लेकिन वो ब्लैक कलर में है तो वो एरर आ जाता है ना। वैसे भी बहुत सारा एरर चल रहा है, मजीद अब क्या कह सकती हूँ। सो ये देखो, ये चीज़ तो मेरी पसंदीदा है, हैंस। पैरट्स तो वैसे भी मैंने ऐसे ही, लेकिन मुझे ये बचपन से पसंद है हैंस ना, खासकर इनके छोटे छोटे चूचे। अब इनको ले जाएंगे, फिर अभी सीज़न आ रहा है, फिर इनके चूचे आएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। साथ में ये देखो, ये नेचुरल लाइफ, हकीकी ज़िंदगी मैं तो इसे कहती हूँ। ये चीज़ें जो है ना, ये हैप्पीनेस है, वो ज़िंदगी। भीड़ भाड़, भागम भागी, खाना पीना भागम भागी, बस हर कोई मसरूफ़ है, किसी को किसी की खबर नहीं, लेकिन यहाँ पे एक सुकून है। और उनके मैं ये कह रही थी कि और उनके बाद जो एक अहम चीज़ है वो तो इधर है, तो आपको पता चल गया, अगर नहीं तो फिर मैं हूँ ना। ये देखें, ये है मेरे पौधे। अब मैं इन पौधों को कैसे लेके जाऊँ? रोला तो ये है, यहाँ पे ये जामुन के पौधे हो रहे हैं, खजूर के हैं और एलोवेरा के हैं। अब मैं इनको कैसे लेके जा सकती हूँ? एलोवेरा तो फिर भी जा सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें तो नहीं जा सकती ना, तो इनको इधर ही रहना पड़ेगा और मैं वक्फे वक्फे से आके इनसे बातचीत कर जाया करूँगी। और बाहर चलते हैं अब, दरख्त मेरे
ये एक अदद मेरा है, वो दो अदद वो और वो भी मेरे हैं। सेम लाइक दिस, ये भी मेरे हैं। इनको भी नहीं लेके जा सकते, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ इनको भी लेके जा सके। और ये रहा मेरा टोनू, तो इसको भी लेके जाऊंगी, लेकिन कैसे लेके जाऊं ये अभी तक आइडिया नहीं आ रहा है। तो अगर आप में से किसी के पास है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि मैं अपने टोनू को अपने साथ कैसे लेके जा सकती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ, यकीन करें आज मैं बहुत खुश हूँ। और ये एक्साइटमेंट आपको मेरी आंखों से नज़र आ रही होगी। सो जी, हमारा खाना बन के आ गया और हम अपने सिस्टर के घर हैं अभी, लेकिन हमने स्टे जो करना है अपने ही घर करना है। खाना यहाँ से खा के फिर चलते हैं। सो नेक्स्ट मिलेंगे, जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। शब बखैर, अल्लाह हाफिज़।